सरदार साहब का सामर्थ्य तब भारत के काम आया था जब मां भारती 550 से ज्यादा रियासतों में बटी पड़ी थी। दुनिया में भारत के भविष्य के प्रति घोर निराशा थी और निराशावादी उस जमाने में भी थे। निराशावादियों को लगता था कि भारत अपनी विविधताओं की वजह से ही बिखर जाएगा। हालांकि निराशा के उस दौर में भी सभी को उम्मीद की एक किरण दिखती थी और ये उम्मीद की किरण थी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार पटेल में कौटिल्य की कूटनीति और शिवाजी महाराज के शौर्य का समावेश था। उन्होंने 5 जुलाई 1947 को रियासतों को संबोधित करते हुए सरदार साहब ने कहा था, और मैं मानता हूं सरदार साहब के वो वाक्य आज भी उतने ही सार्थक है। सरदार साहब ने कहा था, विदेशी आक्रांताओं के सामने हमारे आपसी झगड़े, आपसी दुश्मनी, वैर का भाव हमारी हार की बड़ी वजह थी। अब हमें इस गलती को नहीं दोहराना है और नहीं दोबारा किसी का गुलाम होना है। सरदार साहब के इसी संवाद से एकीकरण की शक्ति को समझते हुए इन राजा रजवाड़ों ने अपने राज्यों का विलय कर दिया था। देखते ही देखते भारत एक हो गया। सरदार साहब के आह्वान पर देश के सैकड़ों राजे रजवाड़ों ने त्याग की मिसाल कायम की थी। हमें राजा रजवाड़ों के इस त्याग को भी कभी नहीं भूलना चाहिए। और मेरा एक सपना भी है कि इसी स्थान के साथ जोड़ करके ये 550 से अधिक जो राजा रजवाड़े थे, उन्होंने देश के एकीकरण के लिए जो कदम उठाए थे, उसका भी एक वर्चुअल म्यूजियम तैयार हो ताकि आने वाली पीढ़ी को, वरना आज लोकतांत्रिक पद्धति से एक तहसील का अध्यक्ष चुना जाए और उसको कहा जाए अगर कि भाई एक साल पहले छोड़ दो तो बड़ा तूफान खड़ा हो जाता है। इन राजा महाराजाओं ने सदियों से अपने पूर्वजों की चीजें देश को दे दी थी, इसको हम कभी भूल नहीं सकते, उसको भी याद रखना होगा। साथियों, जिस कमजोरी पर दुनिया हमें उस समय ताने दे रही थी, उसी को ताकत बनाते हुए सरदार पटेल ने देश को रास्ता दिखाया। उसी रास्ते पर चलते हुए संशय में घिरा वो भारत आज दुनिया से अपनी शर्तों पर संवाद कर रहा है।
दुनिया की बड़ी आर्थिक और सामरिक शक्ति बनने की तरफ हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। यह अगर संभव हो पाया है तो उसके पीछे साधारण किसान के घर में पैदा हुए उस असाधारण व्यक्तित्व का, सरदार साहब का बहुत बड़ा योगदान था, बहुत बड़ा रोल रहा है। चाहे जितना दबाव क्यों न हो, कितने ही मतभेद क्यों न हो, प्रशासन में गवर्नेंस को कैसे स्थापित किया जाता है, ये सरदार साहब ने करके दिखाया। कच्छ से लेकर के कोहिमा तक, करगिल से लेकर के कन्याकुमारी तक, आज अगर बेरोक टोक हम जा पा रहे हैं तो ये सरदार साहब की वजह से, उनके संकल्प से ही संभव हो पाया है। सरदार साहब ने संकल्प न लिया होता, पल भर कल्पना कीजिए, मैं मेरे देशवासियों को झकझोरना चाहता हूं, पल भर कल्पना कीजिए कि अगर सरदार साहब ने काम न किया होता, ये संकल्प न लिया होता, तो आज गिर के लायन, गिर के शेर को देखने के लिए और शिव भक्तों के लिए सोमनाथ में पूजा करने के लिए और हैदराबाद के चार मीनार को देखने के लिए हम हिंदुस्तानियों को वीजा लेना पड़ता, वीजा लेना पड़ता। अगर सरदार साहब का संकल्प न होता तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक की सीधी ट्रेन की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अगर सरदार साहब का संकल्प न होता तो सिविल सेवा जैसे प्रशासनिक ढांचा खड़ा करने में हमें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता।